क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। सुना है तूने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, इसलिए ये नहीं पूछिए तो अच्छा है। ए छोकरा। ए छोकरा नहीं, नौकर। ए नौकर। तेरा नहीं, तेरे बाप का। पहले कितने? जेल दिए। कितने? 50। चमचे? 50। मधु, सबक याद किया? बाबूजी ने बोला था। बाबूजी ने बोला था। और तू यहाँ आ गया है? चल अंदर। देखो माँ, मैं इसे पढ़ने को कह गया था और ये फिर दुकान पर जा बैठा। तो इस बेचारे का क्या दोष? तेरे बाबूजी ने बिठाया, ये जा बैठा। सूरज डूबते ही उन्हें तो बुला लेती है बोतल, ना घर की फिक्र ना दुकान की। अरे आओ आओ मेरे बच्चों के माँ के भाई, आओ आओ। कहाँ जा रहे हो विपिन? नाली में गिरने। नहीं, सब कुछ भूलने। क्या भूलना चाहते हो विपिन? वो दिन जो बीत रहे हैं, वो दिन जो कभी नहीं आएंगे। भूल सकते हो क्या? नहीं, यही तो मुसीबत है। जिंदगी से भागना आसान नहीं विपिन। हाँ, ये भी ठीक है, पर जिंदगी है तो मौत भी तो आएगी। फिर क्या करेगी जिंदगी? क्या शय बनाई है आदमी ने पीने को, देखने में पानी, पानी के अंदर आग, आग के बाद चिंगारी, फिर राख, फिर बन जाती है समाधि, जिस पर कोई फूल नहीं, कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। अच्छा तो मैं चला शंकर के मामू, अभी कुछ पैसे बाकी हैं, कहीं ये फूल ना खरीद ना है, मेरी समाधि पर चढ़ा। देख, तेरे पिता चाय की दुकान पे ना बैठते तो कभी हो, पर उन्हें अपनी कविता छोड़कर चाय की दुकान पर बैठना पड़ा तुम सबका पेट भरने के लिए। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बेटा। वो शराब ही नहीं पीते हैं, वो अपने आप को भी पीते हैं। चाची! अरे बुलाइए मामा! अरे बचाओ, मुझे बचाओ! हाथ छोड़ कर आई। हाँ चाची, 2 महीने के किराया छोड़। चाची! शर्म नहीं आती? तेरी ये मजा? तुझे किसने बोला था चौधरी बनने को? मैंने क्या किया? मैंने तो इज्जत बचाई है। बड़ा है इज्जत बचाने वाला। अब बोल इज्जत के ठेकेदार, अठारह बेचारे को छोड़ दो, भूसा बना दो, हड्डी मछली एक। देखा मुनियन जी, क्या हाथ छोड़ा मैंने? अभी बाप का नाम पूछो तो आपका नाम बताएगा। अरे हाँ, चम्मच भी खिल लिया और प्याला भी खिल लिया। गया उजाला सूरज डूबा, अब है मेरी बारी। गया उजाला सूरज डूबा, अब है मेरी बारी। अंध
सरदार के नगर में आया ज्योति का व्यापारी। ये अंधकार की दुनिया, दुख की पुकार की दुनिया, ये बेकरार सी दुनिया, इसमें मेरा आकाश दीप है जीवन का उजियारा। धरती के आंगन में सबकी उम्मीदों का तारा। लाख गरीबी का दुख हमको ठोकर मार गिराए, अरमानों का दीपक फिर भी ऊंचा उठता जाए। जैसे मेरा आकाश दीप है जीवन का उजियारा, उम्मीदों का तारा, झिलमिल झिलमिल प्यारा। पिताजी, पिताजी, मैं शंकर हूँ। चलिए चलिए घर चले। अच्छा किया जो था। अभी तो दिल की बात मैंने कही नहीं किसी से। सुन, तुझी से कहता हूं, तुझी से कहता हूं। मैंने भी एक सपना देखा था, सतरंगा चमकीला इंद्रधनुष जैसा, लेकिन फिर बादल छिड़ गए, बरसात चली गई और इंद्रधनुष वो सात रंग एक एक करके बिखर गए। अब उनकी जगह रह गया है सिर्फ एक ख्याल, यहां भी कभी सात रंग थे, सात चमकीले मिट जाए रंग। पिताजी आप चले गए, मुझे सब कुछ समझा कर, मैं सबकी देखभाल करूंगा। माँ, मधु, रूमा, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। अरे क्या करता है, मान ली बेच रहे क्या? उधर एक दूसरी दुकान है यासीन की, हंस के लेगा। तो जा, धोखा कितने हैं, हंस के लेगा पर एक ही बार, फिर बैठ के रोना अपने किस्मत को हजार बार, हंस के लेगा। सलाम साहब। क्या काम करते हो? नौकरी और छुट्टी के दिन सौदागिरी। सौदागिरी? चूहों की, चूहे देकर पुरानी चीजें लाता हूँ एक कबाड़ी के लिए। मेरी मिल में काम करोगे? नहीं साहब। क्यों, मिल से कबाड़ी की दुकान अच्छी है? जी नहीं। तो फिर? वो दुकान तो मैं एक दिन खरीद भी सकता हूँ पर आपकी मिल उसकी चिमनी बहुत ऊंची है। सलाम साहब। जो कहा था कर दिखाया। बिल्ले को आशीर्वाद दो भैया, अब ये शेर बन जा। जरूर बन जा बेटा, पर किसी का खून न पीना। अरे वाह शंकर भंडार। अरे मामा जी आइए आइए, मालूम होता है कई बरस हो गए आपसे मिले हुए। हेलो, कौन? अरविंद। हाँ
मेरा ख्याल है 500 कैसे चाय खरीद लो। अच्छी बात, कहिए मामा जी कैसे आए? देखने आया हूँ कि बिल्ला शेर बनकर क्या करता है। देख लिए? अरे देखूं क्या, अभी तक तो जंगल ही में भटक रहा था। जंगल? हाँ हाँ, ये तुम्हारा स्टोर है कि भूल भुलैया? हेलो। हाँ, कितने शेयर मिल रहे हैं? क्या कीमत? अच्छी बात, 300 शेयर खरीद लो। शंकर। हाँ मामा जी। कभी अपना पुराना घर भी याद आता है? याद आता है मामा जी, लेकिन वहां जाने को जी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि वो घर मुझे एक समाधि मालूम होता है, जहाँ जिस सपने देख देख कर मर गए, माँ आंसू पी पी कर चल बसी। लेकिन मधु तो ऐसा नहीं सोचता। यही तो रोना है। कमेंट मामा जी, आप ही उसे समझाइए। अगर उस समाधि पर बैठकर वो इसी तरह एक एक आने की चाय बेचता रहा तो उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा? तो वही जाने, शायद वो इसी को जिंदगी समझता हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी। हेलो, क्या क्या शेयर खरीद नहीं सके रुपए होते हुए भी? नॉनसेंस। सुनिए, ये शेयर मुझे न मिले तो आपकी कंपनी से मेरा कोई वास्ता नहीं। शंकर। हाँ मामा जी। क्या? गीता कभी कभी पढ़ लिया करना, ताकि शेर के मुंह को कभी खून न लगे। ये कार्ड? जी हाँ, मैंने भेजा है। आप इस वक्त? अगर इस वक्त आपको फुर्सत नहीं तो मैं फिर आऊंगा टेलीफोन करके। फुर्सत है, आई। बानी, आप मिस्टर शंकर हैं। नमस्ते। चाय भेज देना बेटी, आई। बैठेंगे नहीं? आपको जल्दी है? जी नहीं, मुझे आपका ख्याल आ गया। मुझे तब तक फुर्सत है जब तक आप चाहें। शुक्रिया, मैं आपकी मिलकर शेयर खरीदने आया हूं। आपको मालूम है उनका भाव गिरता जा रहा है पिछवरस से। जी हाँ, इसीलिए आज आपके पास आया हूं। रुपया गंवाने? जी नहीं, एक को दो बनाने। कैसे? बता दूं तो आप अपने शेयर बेचेंगे? नहीं, बस इसीलिए नहीं बताता। आप बड़े समझदार हैं। आइए एक कप चाय। शुक्रिया। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ। कब? जब मैं सोचता था आपके मिल की चिमनी बहुत ऊंची है, याद आया आपको? हाँ याद आया, मैंने तुम्हें एक रुपया दिया था। या, मुझे भी डर था आप चौनी भी नहीं देंगे। एक चम्मच और। गच्चे वाला। बाप की दुकान समझता है? जब तक होता खराब इसको खाते होता है। अरे चल, देख बड़े लाल से बोल दे कि अपन बाहर गए। ला जा बाहर। रामू मधु कहाँ है? क्या बताऊं शंकर भैया, अरे वो तो एक ही रुपया देकर चाहता है कि मैं झूठ बोलूं। क्या? वो मिल जाए तो क्या करूं, झूठ बोलना ही पड़ता। क्या बक रहा है? वो ही जो मालिक बुलवाता है। जैसा तू वैसा तेरा मालिक। देखा कैसे निकाला 3 रुपए? इसमें वापस चंगा दे। मट्टी पड़ो बेशरम भिखारी, बगैर आचार के हल्लक से खाना नहीं उतरता।
लो खा को मरो, गल्ला बैठ गया तो इलाज कौन तुम्हारा बाबा करेगा? भगवान करे तुम 12 बच्चों की माँ बनो। 12 हो गए तो तू भूखा मरेगा नरे? मस्ती करो, 12 बच्चे। देखो मधु घर आए तो उससे कह देना। वो तो दुकान में ही छे। दुकान बुला को लाती हूँ। रामू भैया, वो रामू भैया, अयो मुँह से कुछ बोलो तो भी। क्या है ये को इधर भेजना, जेठ जी आए हैं। ले बाप, तू क्यों रोती है? अरे मरने से तो मैं बचाऊ तेरे हाथों से। नहीं, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मुझे माफ कर दो, मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेंगी ना। नहीं बगा, बहुत जगह। तुम्हें मजाक न को करो, मुझे माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारे खदमा पर सर फोड़ डालूंगी। ये तू सर मत फोड़ना, अपन तेरे को माफ किया बस। माफ किया? अरे तेरे लिए नहीं, अपने लिए। अगर तू सर फोड़ेगी तो तेरे पट्टी कौन मारेगा? तुम्हें कितने रहम दिल है। क्या बोल रहे लिए? ए जी, तुम्हें रूमा को लेने जा रही ना? वो तो जाना पड़ेगा। क्यों? भूलो नको। क्या क्या बोली? मट्टी पड़ो। अयो अयो, ए शीला फिर से बोल। अरे बोल ना, देख मैं गुदगुदी करूंगा, बोल। मट्टी पड़ो। अयो अयो, मट्टी पड़ो। बेवकूफ का बेवकूफ बना रहेगा। जा कपड़े बदल।
आइए बाबा जी। रूमा ये देखो। ये लो बड़े भैया ये चाबी और अपन जाता है। ठहर ठहर तुझसे कुछ कहना है मामा जी के सामने। ऐसी क्या खतरनाक बात है मधु। मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की और अपन नहीं पढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाय की दुकान बंद कर दो और मेरे जनरल स्टोर के मैनेजर बन जाओ। मंजूर है लेकिन भैया अपन तो बुद्धू है। सीधी तरह जवाब दो हाँ या ना। बात यह भैया होटल अपने पिताजी ने खोली थी। आज भी वही प्लेट है वही गिलास है वही सासर है वही चमचे है। ऐसा लगता है जो भी कमाई अपने को मिलती है पिताजी मेरे को देते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। और फिर अपना रामू भी तो उधर ही है रवि। जैसा रामू वैसा तू। एक दिन अपन जाता है। तुम जा सकते हो हमेशा के लिए। बैठे मामा जी आप क्यों जा रहे हैं। मधु चाय की दुकान पर बैठता है तो मैं उससे भी छोटी दुकान पर। मामा जी क्या आप ये समझते हैं कि मधु को चाय की दुकान पर बैठे देखकर मुझे शर्म आती है। मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। यह आपका गलत ख्याल है मामा जी। मैं चाहता हूँ मधु भी तरक्की करे मेरी तरह। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गरीब इंसान को जानवर बना देती है। इसका उपाय दौलत। लेकिन दौलत पाकर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस जानवर के सीने में एक दिल भी होता है। हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि मधु शक तुमसे ज्यादा सुखी हो अपनी ही छोटी सी दुनिया में। क्या हुआ भैया। मैंने मधु को घर से निकाल दिया हमेशा के लिए। आज से मेरा और मधु का कोई रिश्ता नहीं। क्यों। वो जिंदगी को खेल समझता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे किसी की जरूरत नहीं मैं अकेला ही सही। लेकिन मैं इतना अकेला भी नहीं। तू जो मेरे साथ है ना। हेलो ओ मिस्टर सिन्हा। अच्छी बात अच्छी बात मैं आ जाता हूं। सिन्हा साहब घर में है। उन्होंने मुझे फोन किया था थोड़ी देर पहले। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछली बार जब मैं आया था तो आप पियानो बजा रही थी। फिर आप चाय लेकर आई। आप कुछ कहती क्यों। मुझसे बात की तो आपकी शान कम हो जाएगी। आपने सिर्फ पियानो बजाना सीखा तमीज नहीं सीखी। सिन्हा साहब से कह दीजिए वो चाहे तो मेरे दफ्तर में मिल सकते। क्षमा कीजिएगा मैं बात नहीं कर सकती। मैं बहुत अफसोस है आप तो मुझे माफ कर देंगे लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। क्या बात है शंकर। आज मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। सिन्हा साहब अगर आपको इतराज ना हो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।
उसे बानी ने बोलना सिखाया था जब वो बच्ची थी, ये अब भी बोलता है, लेकिन वो अपनी आवाज खो बैठी। मैं जानता हूं, ये जानते हुए भी तुम इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अभी जवान हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, ऐसा ना हो बानी तुम्हारे लिए कहीं बोझ बन जाए। सोच लो शंकर। अब अगर किसी को सोचना है तो आपकी बेटी को। बोल वही जैसे के बोल रही हूँ।
ये क्या है? जर से आग लग जाती तो क्या होता? जब आ जाओ जब। सब मजदूरों को इत्तला दी जाती है कि ये डिपार्टमेंट 1 जून से 30 दिन के लिए बंद रहेगा। शंकर गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्यों भाई साहब, आखिर इसका मतलब? मैं क्या जानू भैया, मैं तो इस मिल का एक मामूली डायरेक्टर हूँ। इसका मतलब अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछो। नया मैनेजिंग डायरेक्टर, नया नोटिस। सौ कामगार बेकार हो जाएंगे। आते ही हम गरीबों के पेट पे लात। तो हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। आज इसे काम बंद कर दे। बिल्कुल चल बाजी अच्छी नहीं। हड़ताल करनी ही पड़ी तो सोच समझ कर करेंगे। सोचना मिल के बाहर अपनी यूनियन में, लेकिन यहाँ तुम लोगों को 8 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए मिल तुम लोगों को तनख्वाह देती है। जाओ काम करो। तुम कुछ नहीं खड़े, ये कहने की हम कामगार हैं, गुलाम हैं। जो कहना था कर चुका। सुना जा कहना मैं तुम्हारा करूँ। हाँ तुम कामगार यूनियन के सके तुम उस यूनियन वाले यही समझते ज्यादा। मिस्टर देसाई के कितने शेयर्स इस मिल में? 10। यानी जितने के डायरेक्टर बनने के लिए होने चाहिए। जी हाँ। लगे जैसे किसी मेम का दिल टूट गया। वो हमारा मदद करो, नहीं तो वल्ला हमारा दिल टूट जाएगा। प्लीज। बस खान, ऐसे प्लीज मत कहो, कहीं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम ना बन जाऊं। खान तुम्हारा स्कूटर तो बहुत अच्छा है। वो एक हाथ अच्छा है, हाथ लगाए कि सांस बंद हो गया। समझा होगा किसी औरत का हाथ। पेट्रोल तो काफी है इसमें। काफी? वो इतना ही कि शरीफ आदमी डूब के मर जाए। तो तुम अब तक क्यों खड़े हो? हमको तैरना आता है शायद, मजबूरी। मजबूरी शायद सब आ गया पेट्रोल में। इसका अच्छी नहीं, इसका पाइप यहाँ पर खराब हो गया, जम गया। कपड़ा मारे थे टेबल पे, वो गिरा को देख के
अरे रोमा, तू भाभी से मिलने आई इस होलिये में? इस होलिये में इसलिए कि भैया को बताने के लिए कि मैं यहाँ आई। भाभी को तूने खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए सुन, अंदर से जाना। पूछे हम यहाँ से नहीं जाएगा, वहाँ से जाएगा। किधर से भी जाओ। थापले वाला, बादाम किशमिश वाला, हाँ बेचने वाला। अरे अरे, बाबा का घर समझ को अंदर कहाँ घुस रहा है, निकल बाहर। वो गुस्सा मत करो बेगम साहब, हम परदेसी हैं, बेचारा ताजर है। तुम्हें कोई तो भी रहो, निकलो बाहर। वो तुम बुलाए हमको। सब्र करो सब्र करो। कुर्बान कुर्बान, प्यारा तिफलाक नसीब वाला। प्यारे बोल रहा तू, तिफलाक क्या? वो जो बच्चा, खूबसूरत बच्चा। इन्हें बच्चा नहीं बच्ची। वो परवा नहीं, दोनों बराबर औलाद। वो जो तुम्हारे वास्ते मेवा लाया, किशमिश लाया, वो खाओ खाओ, पैसा पड़ा नहीं, उधार खाओ। ज्यादा खूबसूरत बन जाओ, वालदेन का नाम रोशन कर जाओ। ओह, अखरोट उठाया, ये पठान बच्ची। हमारा खानदान का मालूम होता है। तेरे खानदान का? ओह, हमारा औलाद। जिस सूरत देखो, रहमान से मिलता है वो। अल्लाह, रहमान कौन? वो आम बदमाश छीटा गई का, मिर्ची डाल दूंगी आंखी में। ले बाप, क्या लफड़ा? एटी, इस माटी मेले को बाहर निकालो। इन्हें बोल रहा है मेरी बच्ची की शक्ल इससे मिलती है। वो हम दोबारा बोलता है, देखो इंसाफ करो, ये कुदरत का काम है। अरे सच तो बोल रहा है ला। शाबाश शाबाश शाबाश, बच्ची मेरी और शक्ल पठान से मिल रही है। क्या 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 बोले तुम्हें? अरे मिल के भोंगे के जैसा चिल्ला मत, सच्ची बात बोले तो आग लग गई। पठान भाई जरा इधर आना। वो बच्ची की शक्ल किससे मिलती है? हमारे से। हाँ तो चलो दोनों फोटो, चलो चलो बेगम साहब, औलाद कभी साथ लियो। चलो चलो बच्ची पढ़ो। खंजर निकालो। भाभी मैं रुमा हूँ। रुमा? भाभी ये सब तुम्हारी करतूत है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ती हो मगर हाथ में तलवार भी नहीं। झाड़ू तो है। आप जानते हैं जिसने ये नोटिस लगवाया है, हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुप्ता। एक दिन हम जैसे ही थे, इसी घर में पैदा हुए थे और जो बदल गया है कितना ये मैं नहीं जानता। नहीं जानता है तो जा घर बैठ छुड़िया पहनकर। बुआ पैसे कौन देगा? मैं। तो पहनोगी भी तुम ही। मैं समझता हूँ हमें किसी को शंकर गुप्ता के पास भेजना चाहिए। पांच महीने? नहीं, उनकी चाल मालूम करना। कभी नहीं। हड़ताल। हड़ताल होनी ही चाहिए, वरना वो यही समझेंगे कि ये धरती, ये हवा, ये धूप, ये चांदनी उनके, सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं, जिनका खून तेल और कोयला बनकर मशीनों में जलता है। पिताजी, जहर मरता है तो जहर से। मैंने पाई पाई जोड़कर 10 लाख रुपया रख दिया है बैंक में, तुम ही लोगों के। बोलो बोलो बोलो, हड़ताल चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 10,000? ये लो ये लो ये लो, अभी दिए देता हूँ। ये समाज, ये वातावरण डर चढ़ चुका है, इसे हमेशा के लिए साफ कर दो ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। पिताजी, आप सब जानते हैं इस कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं। मेरे पिताजी का अभी किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं। मगर जो बात उन्होंने कही तरुण भैया, बड़े ही पते की कही। तुम्हारे पिताजी पागल हुए तो न्याय के लिए लड़ते, इसी मिल में जहां वो एक दिन मैनेजर। मैं जानता हूँ माधो का काम। जान है वो मिल, उनका भेजा चाट गई और मेरे घर वाले की भी एक टांग चबा गई। हाँ, शंकर गुप्ता से मिलने कौन जाएगा? जानकी तुम? ये क्यों नहीं जाता जो हमारे
तुम्हारा लीडर बनता है? जानकी बुआ, मुझमें वो जोश कहाँ जो तुम में है। जोश नहीं मगर खून भी नहीं उस आदमी का जो इसी मिल में पिस कर पागल हो गया है। हम सब के खातिर, तुम्हारे खातिर। नमस्ते। नमस्ते, मैं तरुण। जरूर होंगे। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझे? कभी नहीं, मैं तो अभी अभी शिमले से आई हूँ। हाँ याद आया, मैंने एक लड़के को देखा है जो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। तो क्या यही कहने आए हैं आप? सीढ़ियाँ चढ़कर चौथी मंजिल पर लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन आपको नजर नहीं आ सकता। सुनिए, मैं आपसे नहीं गुप्ता जी से मिलने आया। ओ ऐसा कहिए ना, पधारिए। मैं भी भैया को भेजती हूँ। शुक्रिया। अरुण नमस्ते। नमस्ते। मैं यूनियन की तरफ से आया हूँ। तैयार था, ऑफिस में नहीं मिल सकते थे। मिल का टाइम जाया करके जिसकी आप हमें तनख्वाह देते हैं, 8 रुपए 8 घंटे के। आप मिल का एक डिपार्टमेंट बंद करें। हाँ तो कामगारों का क्या होगा? ये मिल किसकी, हमारी या तुम लोग? देश की। मैं पूछता हूँ कानूनन किसकी है? कानून आपको ही नहीं, हमें भी कुछ अधिकार देता है। तुम्हें और कुछ कहना है? मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। और अगर न मिले तो? मिल गया आपका जवाब, लेकिन गुप्ता साहब इतना समझ लीजिए कि अगर एक भी कामगार की छटनी हुई तो हमारी यूनियन चुप नहीं रहेगी। धमकाने आए? जी नहीं, आपको समझने। तुम लीडर बहुत अच्छे हो। नमस्ते। मामा जी, ये लड़का बड़ा समझदार है। तो फिर झगड़ा का हैगा? झगड़ा का टकराव, मैं तो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। रहमान, ओए मत मारो यार। तुम्हारा हाथ कितना नरम है। प्लीज प्लीज खान बच्चा, तुम्हारी आवाज में मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की? औरत? वो तुम इस वहां से क्यों देखता हमको? तुम्हारी सूरत में मुझे उसकी सूरत ही नजर आती। वाए, करे वा। है एक, वो बहु तुम जैसी। वाए, कितनी बार मुलाकात किया? बस एक बार आज। आज? सुभान अल्लाह, वल्ला जिस पर जाई, पहली नजर गई। इसका घर मालूम है? घर तो मालूम है, काम पर जा नहीं सकता। कहाँ एक मिल मालिक की बहन और कहाँ मुजस्सर गरीब मजदूर। वो आसमान पर, मैं जमीन पर, वो चांद है और मैं एक इंसान हूँ। कैसा नर बच्चा है तू? वो एक इंसान आसमान का चांद तक पहुँच गया और तुम जमीन के चांद से बेहतर हो गया। तू कैसा आशिक है? तुम बजू का नाम बदनाम किया। वल्ला रहमान, वो हम तुमसे बात नहीं करेगा। तुम आशिक नहीं, चिड़ी मार है। क्या मा
बीमार है इसलिए वो लोग की रजिस्ट्री शादी हो ली है। रजिस्ट्री शादी? अयो यो, जैसे रजिस्ट्री चिट्ठियाँ जो पट्टे वाला पोस्टमैन लेकर आता हो ना। वाह 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 वा। क्या समझदार भेजा है तेरी खोपड़ी में। वो आग लगी ऐसी रजिस्ट्री शादी। मैं अपनी बच्ची की शादी डाकखाने में नहीं करूँगी। बच्ची क्या हुई, लिफाफा हो गया, चिट्ठी हो गयी। आज रजिस्ट्री शादी बोल रही, कल तार की शादी बोलेंगे। मट्टी पड़ो। क्या बोले तुम्हें? अयो यो, क्या नखरा कर रहे हैं तुम्हें? ए बाप, ये बेवक की शहनाई क्यों बज रही है? एक बुरी खबर, बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि हमारे सिन्हा साहब का देहांत हो गया है। आज मिल बंद रहेगी। एक दिन सबको मरना है, नहीं मरता तो दो चीज, लाइफ डेथ। बाने, कर रहे हैं देसाई भाई। हंसना आसान है, मगर ये मत भूलिए कि हमारी मिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। नई मशीनें लगने से, जिसे कोई नहीं रोक सकता, एक नई मशीन दो मजदूरों का काम करेगी। नतीजा, आधे कामगारों की छटनी, और छटनी होने के बाद वो लोग चुप नहीं बैठेंगे आपकी आज्ञा से। फर्ज कीजिए किसी एक को भी ना निकाला गया तो? माय डियर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मिल है, लंगर नहीं है, जहां मुफ्त की रोटी है। फर्ज कीजिए और नई मशीनें आ जाएं ताकि सब काम कर सकें। आसमान से टपकेंगी क्या? आसमान से नहीं, जहाज से टपकेंगी। करीब दो हफ्ते में। दो हफ्ते में आप रिपोर्ट पढ़िए देसाई भाई, ताकि ये मुश्किल बात आपकी समझ में आ जाए। दो हफ्ते। वी कांग्रेचुलेट यू मिस्टर गुप्ता। थैंक यू मिस्टर कपूर। सिर्फ इतना ही नहीं देसाई भाई, मेरी तजवीज है
कि कामगारों की मजदूरी भी दुगनी कर दी जाए ताकि जितना घाटा पूरा हुआ है उससे दुगना फिर हो जाए। वेरी गुड। नहीं, आज जो मजदूर आधे पेट चार घंटे का काम आठ घंटे में करते हैं वही मजदूर पेट भरने पर दुगना काम कर सकेंगे। सब हवाई बातें हैं, जो काम चोर है वो काम चोर ही रहेगा। इतना ही नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की अनोखी तजवीज पूंजीवाद के विरुद्ध है। मैं पूंजीवाद या किसी वाद को नहीं मानता, मैं मानता हूं तो सिर्फ मजदूर को। ये क्या, ये मानते हैं तो सिर्फ मजदूर को। एक्सक्यूज मी, क्या तमाशा है? जी वो नई मशीनें जो हैं वो नई मशीनें दो महीने से चल रही हैं। किसी को नोटिस मिला, किसी की छटनी हुई? तुम नए मजदूर नहीं बन सकते क्या? जाओ अपना काम करो। चलो बड़े लाख की तो बात ही मत पूछो भाभी, वो तो पहले भी सख्त और अभी भी वैसे ही। जब मिलते तभी एक तमाचे ये गाल पे मारते और एक तमाचे ये गाल पे। अब तुम तो अच्छा है कि हिसाब में कच्चे थे, दस तमाचे का तो पांच ही गिने। हिसाब करते करते तो अपन ये भी भूल गए कि कितने तमाचे खाए। अपने को तो खाली अपना गाल ही याद रहा। देखो ना फुग्गे की तरह फूला हुआ। आप लोग हंस क्यों नहीं रहे ले? बड़े भैया अपन आपकी तारीफ कर रहे थे, अपन लोग भाभी से मिलने को आए हैं। हम लोग कितने खुश हो रहे थे यहाँ। तुम खुश हुए होगे? नहीं मैं अकेला नहीं, देखो भाभी अभी तक हंस रही है तुम्हारी किसी बेवकूफी पर। भैया मधुकर तुम अब तक इस काबिल नहीं हुए कि कोई तुम्हें देखकर खुश हो। आप ठीक कहते हैं भैया, अपन अब तक चूल्हे के पास बैठता चाय का दुकान में, इसीलिए मैं। चलो शीला अपन बहुत छोटा आदमी, चलो नमस्ते भाभी। जिसे देखो जी समझता मैं मतलब नहीं हूँ, खुद गरज हूँ, यहाँ तक कि मेरा अपना भाई भी। क्या तुम भी यही समझती हो कि भूल मेरी है? तो लोग तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोचते? वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो कुछ मैं करता हूँ पैसे के जोर से करता हूँ, दिल से नहीं? लोग ऐसा गलत क्यों समझते हैं कि पैसा हो तो इंसान भेड़िया, ना हो तो कुत्ता? अब कोई करे क्या, संसार छोड़ के साधु बन जाए, किसी गुफा में जाके बैठ जाए? मधु को मैं पी लूंगा, वो रूठ गया होगा। अच्छा हुआ तुम आ गया। क्यों, क्या चाहिए? हमें नहीं हमारी यूनियन को रुपया, शायद हड़ताल करनी पड़े। शंकर भैया के खिलाफ? नहीं, हमारा खून चूसने वालों के खिलाफ। हे बाप, अपने पास क्या है? बटाटा वड़ा है, सेव है, गाठिया है, पापड़ी, उसल पाव, और क्या? तुम्हारी कला, तुम्हारा नाच, एक शो के लिए। नहीं रे, अपन से नहीं होगा। समझ गए, भाई भाई का रिश्ता खून का रिश्ता, और इंसान इंसान का रिश्ता चाय और बटाटा वड़ा का रिश्ता। तो आज से इसकी चाय भी हम पे हराम। ये बदरी की चाहिए, क्या लफड़ा यार? अरे भाई वो जनता थिएटर 12 तारीख रात को 9 बजे। मत जाना छोटेला, दीदी घर में नहीं घुसने देगी। ले बाप, सुना? दूध पिला रहा, देखता हूँ ये बिल्ला भी कभी शेर बनता है या नहीं। मामा जी आप हमेशा नाराज हो गए? अरे वो तो मैंने यही मजाक किया। तुम्हारे मुंह पर उदासी देखकर, कहो कैसे आए? आप समझते मैं बदल गया हूँ, मजदूर कहते मैं उनका खून चूसता हूँ, और हमारे डायरेक्टरों का ख्याल है मेरा सर भूल गया। तो तुम क्या चाहते हो, सबसे ज्यादा अमीर हो जाओ और गाली भी ना पड़े? क्यों मानो, चूहा क्या तेरी पूजा करता है? अरे शंकर, अरे इधर तो आओ, सुनो तो। धा धा धा
दारा 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 दा 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 दा दारा दा दा दारा दा दा अयो क्या फुदक रही ना अयो आता हूँ अभी आता मैं तो जा रही है लाने किसी को सुनो मत इसे सुनो मत हे प्रभु हे तुलसी माँ ये देखिए अपनी लगन जबरदस्ती सौगंध दिलाई के ये नहीं नाचेगा पाप महापाप पुत्री बच्चे पर शिव महाराज की कृपा दृष्टि है नृत्य तो साधना है बच्चे की मत रोको नाचने दो बच्चे को नहीं तो नृत्य जो सृष्टि का स्वरूप है जो जीवन दान के समान है वो महाप्रलय बन जाएगा बच्चा पागल हो जाएगा उन्हों पागल हो गए तो मुझे कोई परवाह नहीं दूसरी पट्टियों के साथ नाचने नहीं दूंगी उत्ताच तो बाबा को कष्ट क्यों दिया था तपस्या को भंग करके मत जाओ मत जाओ महाराज ये तो मूर्ख है आपको क्या चाहिए सोना बाबा को मोह माया के जाल में नहीं पड़ना बच्चा मुझे चांदी चाहिए ना सोना समझा दो रुपए कागज की जल्दी से बोल मूर्ख नारी अब इसे नाचने देगी जाने देगी अकेले को नहीं बच्चा अकेला जाने को कौन कहता है तुम इसके साथ होगी तो कोई दूसरी नारी इस पर अपना जादू नहीं कर सकती बाबा का आशीर्वाद देना होगा जल्दी सर पर हाथ रखो महाराज कल्याण हो पुत्री अरे ये क्या करती हो अरे बाबा का जा रहा हूँ जिंदगी से दूर मैं पहली बीवी छोड़कर ऐ साथियों पहली बीवी ने परेशान कर दिया दूसरी मिलती नहीं है दोस्तों मैं नहीं दामाद जिनका बन सका होने वाले ऐ मेरे ससुरो सुनो एक नई शादी न अपनी हो सकी अलविदा है होने वाली बीवियों अलविदा 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 रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ जाने वाले रुक जा लाया हूँ इलाज तेरे दिल का हाँ लाया हूँ इलाज तेरे दिल का रो के जमाना चाहे रो के खुदाई हमको जाना पड़ेगा
इरादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ऐ गुलबदन ये क्या है चलन, पागल सोना बन ये बंसी जो ले ले जाने मन, इस बंसी की धुन पर दुनिया। मैं तो तुम संग प्यार जता के हार गया मेरे यार, हार गया मेरे यार। मुझे चोर पुकारो तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। पंख ले लेने दो हमको तो इनायत होगी, इनायत होगी। पंख तो हम तुम्हें दे देंगे मगर जाने जहां, पंख तो हम तुम्हें दे देंगे मगर जाने जहां। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, एक परी की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। नहीं 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 सबकी सब हो हंसी के हमको सबसे प्यार है। हम तो सबसे शादी करेंगे ऐ मेरे हमराही। विशाखा मेनकाई हमारे संग संग परी से बनकर जोड़ चलो तो बड़ा मजा हो। छोड़ दो
अब समझ में आया ये नक्शा, ताकि मजदूरों को नए घर मिल जाएं और हम बेघर हो जाएं। माय डियर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, एक बात पूछूं के आपकी आज्ञा से, इसमें मिल का क्या फायदा? देसाई भाई, मिल का ये फायदा कि मिल के करीब रहने से सर्दी बरसात तूफान में भी मजदूर वक्त पर आ सकते हैं, और ऐसे घरों में रहने से सेहतमंद इंसानों की तरह पूरी ताकत से काम कर सकते हैं। जेंटलमैन, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस पर इतराज न करें। मैं सटके हो जाऊं, मैं वारी हो जाऊं। सटके वाली कहीं को हैदराबादी लैंग्वेज मत सिखा देना। हाय हाय, बेटी माँ पे नहीं जाएगी तो क्या बाप पे जाएगी? भैया अयो, आओ ना भाभी, आओ। लाओ ना भाभी, लाओ लाओ लाओ। जानकी बुआ, बस नए घरों में तो और भी मजा आएगा। यहाँ कुछ लोग जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। हाँ जी, यही तो चाल है गुप्ता जी की। नए घर, मजदूरों में फूट, यूनियन कमजोर, आपकी आज्ञा से। पाखंडी, बगला भगत, लिबास देशभक्तों का और काम शैतान कहीं का। क्यों बोलिए चाचा, फिर आप लोगों ने नए घर में जाने के बारे में क्या सोचा है? सुना नहीं देसाई साहब ने क्या कहा? नए घर में जाती है हमारी जूती। आ गई ना देसाई के झांसे में। तुम इसके बरकाने में मत आना तरुण। जब से मेरी टांग कटी है ये समझती है कि मिल भूचड़ खाना है और कुछ नहीं। तुम चुप रहो। बड़ी तो जमाती है तू। अपाहिज हो गया हूँ इसलिए ना, कमा कर लाने के बजाय तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ इसलिए ना। तो डाल लो घर में कोई दूसरी, छोड़ दो मुझे, किसने रोका है? अरे तू छोड़े तब ना। देखा क्या चाल चली है गुप्ता जी ने, अभी से फूट पड़ने लगी। तभी तो मैं कहता कि जल्दबाजी अच्छी नहीं। हाँ बद्री चाचा, मेरे ख्याल से अभी और सोच लेना चाहिए। सोचना पीछे, पहले चाय पी लो, अब तक ठंडी हो गई होगी। ओ नहीं जानकी बुआ, ये तो एकदम की बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह तरुण, इतना खून बहा, हाथ कट गया मशीन में। माँ का? हाँ माँ, बहुत कट गया माँ। बताऊं ये कौन है? मधु की बहन लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी है। अपने हाथ से मुझे चाय पिलाई, इसकी देखभाल की और खाना भी पकाया। आपने? अच्छा तो मैं चलूं। अकेली? तरुण मैं चली जाऊंगी, रात हो गई है। तरुण जा बेटा। आइए। अच्छा नहीं। लक्ष्मी है सचमुच लक्ष्मी, लाखों में एक है ना? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता यहीं आकर रहने लगे हमारे साथ। क्या कह रहे हो? रुपया क्या है, हाथ का मैल। 50,000 खर्च कर दूंगा। कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ रात बहुत हो गई है। तो क्या आप अंधेरे से भी डरते हैं? क्या मतलब? मेरा ख्याल था सिर्फ लड़कियों से घबराते हैं।
मुझे ऐसी लड़कियों जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनने दो ना भाभी, कितना अच्छा म्यूजिक है। तो क्या हुआ भाभी? हर काम का एक वक्त होता है रूमा। भैया तो मुझे नाश्ता करने दोगी या नहीं? मुझसे भूल हो गई। बानी, तुमने देखा रूमा कितनी बदलती जा रही है? बात पूछूं, क्या तुम समझती हो कि रूमा तरुण के साथ सुखी रह सकेगी? अच्छा, तुम तरुण को जानती हो? तो फिर तुमने अपनी ये राय कैसे दे दी? फूल कली खिली हुई कली तो तितली, तुम कहना क्या चाहती हो? बानी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो पंछी समझा, तुम कहना चाहती हो कि रूमा और तरुण एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घबराओ नहीं बानी, जरा सोचना पड़ेगा, लेकिन इत्मीनान रखो, रूमा की आंखों में आंसू कभी नहीं आने। साहब मेरा ख्याल है, कम इन। बैठो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, अगर हम तुम्हें तरक्की देना चाहें तो। मुझे? तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो इसलिए। जी शुक्रिया। मिस्टर पुरी, ऑर्डर इशू कर दीजिए कि इस पहली तारीख से तरुण वीविंग मास्टर का काम संभालेगा। वीविंग मास्टर? कोई इतराज है? जी नहीं, मगर वीविंग मास्टर बनने से पहले तो उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। मैं जानता हूं, लेकिन मुझ पर ये खास मेहरबानी की। मेहरबानी नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए तो नहीं कि मैं कामगार यूनियन का सेक्रेटरी हूं? क्या मतलब? मुझे तरक्की चाहिए, रिश्वत नहीं। मैंने आज तक किसी को रिश्वत नहीं दी। और मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली, चाहे आप उसे मेहनत का फल कहें चाहे तरफ। मैं जा सकता हूँ? साफ है। नमस्ते। बेवकूफ नहीं, उनका पक्का। हर बात दिसाई भाई के बताने जानता हूँ, लेकिन ये मुझे तरक्की देना चाहते हैं। अच्छा? हाँ, ताकि लोग ये ना कहें कि एक मिल मालिक की बहन एक गरीब मजदूर से मिलती है। क्यों सिफारिश की थी मेरी? सिफारिश तो क्या नहीं की? नहीं। फिर हमारा एक दूसरे से मिलना ही मेरे लिए सिफारिश बन गया। तरुण, तुम क्या चाहती हो मैं बिक जाऊं? भैया ऐसे आदमी नहीं जो इंसानों का व्यापार करे। तुम्हें क्या मालूम रुपया इंसान को कितना गिरा देता है।
आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रोमा, कभी नहीं। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मंगनी पट ब्याह, बजा दो बैंड बाजा। नहीं, रूमा का ब्याह तरुण से कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्हीं ने तो कहा था कि तरुण बड़ा समझदार लड़का है। वो कभी तरक्की नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम था वो इतना जिद्दी है। तुम नहीं हो क्या? मामा जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। अरे शंकर, अरे सुनो तो, सब बेसुरे हो। Thank you.
मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने साथियों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अब तो माफ कर दिया ना। माफ तो नहीं करना चाहिए था। रूमा जी जल्दी नेक्स्ट आइटम। तुम हमेशा मेरे साथ दोगी? नहीं। अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम बच्चों की सी बातें नहीं करोगे। नहीं करूंगा। रूमा जी जाओ जल्दी जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। मैं बिहारी लाल हूँ, लड़के वाला। कौन लड़का? तरुण। तरुण? मेरा बेटा ना होता तब भी मैं यही कहता कि वो बड़ा मेहनती और होनहार है, किसी का दुख नहीं देख सकता। मजदूर तो उस पर जान छिड़कते हैं। आप तो जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह। और आपकी रोमा, वो तो लक्ष्मी है लक्ष्मी। तरुण की माँ का हाथ जख्मी हुआ तो हमारा खाना पकाया, मुझे चाय बनाकर पिलाई। एक बात और, राज की, हमारे और आपके दरमियान भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तभी तो वो आज रात तरुण के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना। जरूर जाइए, मुझे भी एक जरूरी काम है। नमस्ते। एक बात तो बताइए, लगन का मुहूर्त आप निकलवाएंगे या हम? कैसा लगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बुड्ढा पागल है। हूँ तो सही, लेकिन थोड़ा सा हर पैसे वाला होता है। मेरा भी बैंक में कुछ पैसा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। आपकी बहन को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी। तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? आप रूमा को भेज दो, वो स्टेज पर है। अगर आप भी थोड़ी देर अंदर बैठे तो बड़ी खुशी होगी। मुझे दूसरों की खुशी की परवाह नहीं। रूमा को भेज दो, वो नहीं आ सकती। बदतमीज। शाबाश रूमा, शाबाश। मामा जी अब मुझे जाना चाहिए, भैया को मालूम है। वो तो बाहर खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। ओ मामा जी अब क्या होगा? अरे तुम चलो तो मेरे साथ, वो कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। चलो चलो। बात है डॉक्टर, बाली की तबीयत खराब है। घबराओ नहीं बखुर्दा, मैंने दो तरह के विटामिन लिख दिए हैं, एक श्रीमती बानी शंकर के लिए और दूसरा किसके लिए? वो लड़का होगा या लड़की, ये वही जानता है जो इंसानी पतले बनाता है। किसे कहा? चुप कैसे? माँ कहाँ है? पट्टी बनाने गई है पिताजी के साथ। कल रात डांट तो नहीं पड़ी गुप्ता जी से? डर रहा था कहीं सजा ना मिले तुम्हें मेरी वजह से। डर कैसा, हमने कोई पाप नहीं किया। चाय बना दो। नहीं मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं तो आया था थोड़ी देर इसलिए कि शायद तुम मिल जाओ। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अच्छा गुप्ता जी से किसने कहा कि तुम डांस करने गई थी? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने?
लेकिन क्यों, वो तुम्हारे भाई के पास क्यों गए? तुम ही बताओ ना। मुस्कुराए तुम रही हो, मुझे क्या मालूम। तो अपने पिताजी से पूछ लेना। तुम ही बता दो ना। एक बात ऐसी होती है जो लड़की अपनी जबान से, वो तुम्हारी शादी की बात करने गए थे। मेरी शादी की बात? लेकिन गुप्ता जी से क्यों? रुमा नहीं, रुमा पिताजी को नहीं जाना चाहिए था तुम्हारे भाई के पास। इतना तो सोचा होता वो हंसेंगे, वो जरूर हंसे होंगे पिताजी, जरूर हंसे होंगे। लेकिन पिताजी का क्या दोष, वो तो पागल है। रुमा क्या पागल कोई खूबसूरत सपना नहीं देख सकता अपने बेटे की खुशी के लिए? रुमा मैं कब तक यूं ही जलता रहूं दिए की लौ की तरह, कभी आशा कभी निराशा की आंधी में। नहीं मिस्टर पुरी, जिस मजदूर को अपनी मशीन से प्यार नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। लीजिए ये नोटिस, कल सुबह तक उसके हाथ में पहुंच जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं,
ये जुलूम है, अन्याय। तरुण हमारे यूनियन का लीडर और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईंट का जवाब पत्थर। मगर जानकी वो मैं सच में ये बात नहीं, ये तो बहाना है उनका हमसे बदला लेने का। ये जुल्म हमारी यूनियन पर है, उन्हें नोटिस वापस लेना पड़ेगा। हाँ नोटिस वापस लेना पड़ेगा, वरना हड़ताल। हड़ताल कर दे हमारी हमदर्दी में। सच? तो जीत तुम्हारी होगी। मेरी नहीं, हमारी। कल जरूर आना, शायद कोई अच्छी खबर सुना सके। मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या यह सच नहीं कि तरुण को इस बात से नोटिस दिया गया कि उसे आपकी बहन से प्रेम है? नहीं। क्या यह सच नहीं कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम है? होगा। है या नहीं, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। क्या यह सच एक दूसरे से प्रेम है मगर आपको उनसे नफरत है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद नहीं। क्या मेंबर? तरुण के इस वास्ते नोटिस दिया गया कि वो लड़का इन्हें पसंद नहीं है, जिसे मिलकर कोई फायदा नहीं। क्या यह सच नहीं कि तुम गुप्ता जी की बहन से प्यार करते हो? मगर इसका हड़ताल से क्या वास्ता? क्या यह सच नहीं कि तुम उसे यूनियन की खबरें बताते रहे? जानकी बुआ, वो हमारे खिलाफ नहीं हमारे साथ है। हमारे नहीं तुम्हारे साथ, इसीलिए तो क्लर्कों ने हड़ताल नहीं की। क्या मतलब? हम में से कितने आदमी जानते थे कि क्लर्क भी हड़ताल करेंगे? सिर्फ हम पांच। सिर्फ हम पांच नहीं, एक वो भी जो तुम्हारे साथ है, हमारे दुश्मन की बहन, नहीं क्या? कहाँ जा रहे हो? ये मालूम करने के गद्दार कौन है? हर हड़ताल ही भरों के लिए मुफ्त में चाय, अगर हड़ताल दो दिन और चलेगा तो खारा बिस्किट भी फ्री देगा। उठा उठा। ए, ए पठान भाई, अपना तेरा जोरू को बोलना हम तो जाएगा। वस्तरे मोशे बेगम साहब, वस्तरे मोशे। ओए कुर्बान कुर्बान, तुम कैसे हो कुर्बान? ओए रहमान आलमान रहमान, वस्तरे मोशे वस्तरे मोशे। मान नहीं रुमा, समझ गया तुम्हारी चाल। चाल? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दो रूप हैं, एक खूबसूरत अप्सरा का जिसकी आंखों में मैं जिंदगी का सपना देखने लगा, और दूसरा एक जासूस का जो अपने भाई को हमारी यूनियन के भेद बता सके। नहीं तरुण, नहीं। हिस्सा क्या है तरुण? इससे पूछो जिसने रहमान बनकर दोस्ती और उमा बनकर हमदर्दी जताई, मगर काम किया दुश्मन का। धिक्कार ऐसी दोस्ती और हमदर्दी पर। नोटिस वापस लेना। यूनियन की शर्तें मानने पड़ी, बोर्ड की मीटिंग में देसाई जैसे आदमी के नष्ट करने पड़े। चुपचाप कुछ कहे नहीं, एक बात नहीं मानता मैं किसी। पर क्या करता, मेरी अपनी बहन रूमा ही मेरी हार है। मालूम नहीं और क्या कुछ कहना पड़ेगा मुझे उस पागल लड़की की वजह से। रूमा, कहां गई? छोटे भैया, क्या काम था? क्या काम था? तरुण से मिलने। पागलपन की भी हद होती, मना नहीं किया था तुमसे? तुम बीच में ना आओ। क्यों गए थे उससे मिलने? आप अभी तक नहीं समझे भैया। समझा लेकिन यकीन नहीं आता। रूमा, अगर मैं पूछूं हम दोनों का जो रिश्ता है का क्या होगा? मैं पूछता हूं उस रिश्ते का क्या होगा? जैसे आप समझे भैया। मगर तुम्हारी समझ को क्या करूं, तुम जो पढ़ी लिखी हो, समझदार। रूमा, तुम जानती हो मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी प्यारी है। मैं कभी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आया, ना कभी आऊंगा, मगर मैं देख रहा हूं जिसे तुम प्यार समझती हो वो धोखा है, धोखा।
लेकिन मेरी मांग कोई भरी कर तो तरुण तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तुझे और कुछ नहीं जानना है कुछ नहीं तो ठीक है मेरा एक भाई है वो भाई नहीं कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके बहन नहीं होते मगर वो मर नहीं जाते निकल जाओ यहां से जो लोग अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं अब अपने लिए तो हर चीज औंधी हो रही है वो तरुण भी औंधा हो गया आदमी से गधा बन गया देख बाप तू जाके रूमा के पास बैठ अपन जाता तरुण के पास जाके एक लात मारता है उसको शायद गधे से आदमी बन जाएगा जा तरुण कौन है आता हूं कैसे आए अपन ये पूछने को आला है कि पागल के सर पे सिंह होते हैं क्या क्या मतलब नहीं होते ना वो अपने काम अपनी हरकतों से पहचाना जाता है ना वो बिचारी रोमा उधर रो रही है और फूल इधर मुरझा रहे अब तुझ बोल पागल कौन अरे बोल ना तुम ये बात ना ही छेड़ो तो अच्छा है ले बाप ना ही छेड़ो तो अच्छा है अरे रूमा को बड़े लाख का घर छोड़ना पड़ा तेरी वजह से मेरी औरत उसके आंसू पोछ रहे लिए तेरी वजह से और तू बहुत बड़ा लीडर बना फिरता है पहले यूनियन फिर मोहब्बत पहले मोहब्बत पिछू यूनियन अरे मोहब्बत नहीं हो तो यूनियन भी नहीं चल सकती क्या समझे चल चल के रूमा से माफी मांग ले नहीं जब तक ये नहीं पता चल जाता कि हमारा राज किसने खोला है मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम्हारा राज रूमा ने खोला है और किसने खोला है वाह 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 एक दिन एक गधे ने एक मुर्गे को एक टांग पे देख लिया तो बस समझ लिया कि मुर्गा एक ही टांग का होता है मधु भैया देख भाई आज से सब जानवर अपने घर आ सकते हैं कुत्ता आ सकता है कुत्ती आ सकती बिल्ला आ सकता बिल्ली आ सकती बकरा आ सकता है लेकिन गधा नहीं आ सकता क्या हुआ अरे एकदम गधा है जो जो हल्लू बोलो ना रुमांदर है एकदम गधा है तुम्हें जाको समझाओ नहीं नहीं ऐसा क्या करती बाप तू समझाना तुम्हारे छोटे भैया गए थे तरुण से मिलने पहले झगड़ा होता है फिर प्यार जितना ज्यादा झगड़ा उतना ज्यादा प्यार अरे क्यों इतना प्यार अरे आओ आओ फिलोमेना आंटी सलाम गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू माय सन रुमा ये तक फिलोमेना आंटी आई ली कैसी है कल से अच्छी है मदर मेरी का ब्लेसिंग से क्या हो गया था गिर पड़ी अभी सिर्फ बेड में है बड़ा लोनली है बोली रूमा को देखने को दिल मनाता है मुझे मैं तो चली जाऊं लेकिन बड़े भैया अरे क्या बोल रही है तू वो अपना भाई है कोई शेर थोड़ी जो तेरे को खा जाएगा आंटी तुम भाभी को बोलना अपन रूमा को लेके आएगा दोपहर गॉड ब्लेस छोटे भैया तू भी फोकल है अरे डरती का को है और फिर अपने बड़े लाट तो ऐसे शेर है कि दोपहर को शिकार खेलने चले जाते हैं मील के जंगल में कहिए मैनेजर साहब एक बुरी खबर क्या हमारी मिल के डायरेक्टर ने फैसला किया है कि वो अपने शेयर फौरन बेच डालेंगे वजह क्या घबराहट डर के अब इस मिल में घाटा होकर ही रहेगा आपके कारण मेरे कारण दिसाई भाई का यही ख्याल है नॉनसेंस लेकिन अब दूसरे ट्रैक्टरों का भी यही ख्याल है
और अब? अब मिल के जितने भी शेयर्स बाहर निकलेंगे उसे मैं खरीदूंगा, सिर्फ मैं। आप खरीदेंगे? शंकर जनरल स्टोर्स बेचकर। वो शेयर्स के फायदे कहां? आप कल अपने साथ घर तो ले गए थे। बानी, जिंदगी सिर्फ एक भावना ही नहीं, कुछ और भी है। सूझबूझ, नफा नुकसान, भले बुरे की तमीज, ये रूमा और मधु इस बात को समझते नहीं। और वो मुझे इतना भी अधिकार अगर न दे कि मैं उन्हें समझा सकूं तो मुझ में क्या रह जाएगा। और फिर रूमा मेरी बेटी जैसी है। तुम भी कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो आप चाबी दे और हम नाचने लगे। मधु, आपको गुस्सा आ जाए और हम हमको आप तोड़ के फेंक दे। बदतमीज, नालायक, निकल जाओ यहां से, फिर कभी घर में कदम न रखना। क्या हाल है? क्या बताऊं? आप खुद समझ सकती हैं, इतना बड़ा एक्सीडेंट, बच्चा तो पेट में ही। मगर दुख इस बात का है कि मिसेस गुप्ता मां कभी नहीं बन सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही क्यों ना मर गई। रो ना करो मां, तुम्हारा क्या दुख है? भाभी का दुख कैसे दूर होगा? अत्ती के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या 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 बोल रही तुम्हें? अपने को तो इतना मालूम है कि खाली ऊपर का भपका है, अंदर से किसी को हमदर्दी नहीं है। तुम ना क्या मालूम, मैं माँ हूँ, माँ की ममता मुझे मालूम, बेचारी भाभी। हाँ तो फिर एक काम करना, भाभी के दुख क्यों नहीं बांट लेती आधे आधे? बांट सकू तो ना, दिल होएगा तो बांटेगी ना। तुम ही बोलो कैसे बांटू। अबे रहने देना यार, खाली पीले बोलो ना जे। तू एक काम कर, अपनी मीनू है ना, हाँ। उसको भाभी के पास लेके जा। हाँ लेको जाऊंगी, उसमें क्या। फिर भाभी को ऐसा बोलना, हाँ। कि भाभी ये हमारी बच्ची जो है ना मीनू, हाँ। ये आज से तेरी बच्ची होगी। क्या बोले? ये मुझसे नहीं होगा, बड़े मियाँ बढ़ते चले, बच्चे कल होते चले। मीनू मेरी बच्ची है, मैं मेरी औलाद किसे भी नहीं दूंगी। हाँ मुश्किल ना आसान, तकदीर का लिखा तकदीर से बदलो। या लो मेरे मौला, तकदीर से पहले इस घर की तस्वीर दिखा दे। सुभान अल्लाह, क्या तस्वीर है, औरत और मर्द दोनों बच्ची पे कुर्बान, लेकिन दोनों परेशान। हाँ पीछे। मेरे मौला दिखा अपना कमाल, जल्लू जलाल तू आई बड़ा कुटाल तू। कैसे टलेंगी, उन्हों बोलते हैं बच्ची को उनकी भाभी को देखो। बच्ची तुम्हारी है? हाँ पीछे। बच्ची किसी एक की नहीं, सारे जहान की होती है। समझे समझे अभी। जिसे दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आए, उस पर अल्लाह और भगवान दोनों मेहरबान। एक बच्ची गई तो दूसरी देंगे, दूसरी जी तो तीसरी भी देंगे। मट्टी पड़ो। बच्ची को देकर ना आई ऐ औरत, तो बाप जहर खा लेगा। अगर तू बेवा हो गई तो तुझे कौन संभालेगा? क्या 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 बोले तुम्हें? शीला,
क्या मीनू सिर्फ तेरी बेटी, मेरी बेटी नहीं? क्या मैं उसका बाप नहीं? अब भी अगर तू ये समझती कि मेरी गलती है तो ले ये डंडा, धपट डाल मेरे को। मैं कसम से तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, ले ले ना। मधु की बेटी? क्या मतलब? वास भेज दो इसे। नहीं, मैं तुम्हें इसकी आया नहीं बनने दूंगा। मां भी नहीं। वानी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे गुस्सा आने लगता है। तुम पर नहीं, उस बच्चे पर भी नहीं, अपने आप पर, अपनी किस्मत पर। पुलिस साहब, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? ओ, तरुण जख्मी हो गया। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, आप अपने मिल के डॉक्टर को भी साथ जाने के लिए कहिए। जी नहीं, जनरल वार्ड में नहीं, उसके लिए स्पेशल कमरा बुक कीजिए, रुपए चाहे कितना भी खर्च हो। रूमा देवी हमारे मिल मालिक गुप्ता जी की बहन, एक मजदूर का हाल पूछने आई है। तुम मुझसे नहीं मिल सकती। जी, डॉक्टर ने मना किया है। सिर्फ देख के चली जाऊंगी, एक मिनट। क्यों, अभी कोई कसर बाकी है? जाओ यहाँ से। देवी जी लाइए, मैं पहुँचा देता हूँ आपकी आज्ञा से। मैनेजर साहब। हेलो, क्या नोटिस? कैसा नोटिस? ठहरो, कामगार यूनियन ने नोटिस दे दिया है। हेलो, शंकर गुप्ता स्पीकिंग। क्या 10% तरक्की और चाहिए एक हफ्ते के अंदर? सर सुनो मेरी बात। दस्तखत किसके नोटिस पर? ओ नॉनसेंस, तरुण के दस्तखत। मिस्टर पुरी, ये नोटिस इल्लीगल है, गैर कानून। वो लोग समझते क्या मुझे? मैंने सर मिल बंद कर दीजिए। जी जी हाँ, लॉकआउट, तालाबंदी। तालाबंदी, वाह, अच्छा नोटिस दिया, मिल ही बंद कर दी। नोटिस नहीं देते तो हम सब में फूट पड़ जाती। एक तरफ हम दो थे, एक मैं और दूसरा तरुण, और दूसरी तरफ छह थे, जानकी और उनके साथी। हड़ताल जो 7 दिन के बाद बनी थी वो आज से इस नोटिस के लगते ही। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। आप क्या कह रहे हैं? जानकी सोच लो, हड़ताल तो बाद ऑफिस वापस लिया तो जानते हो क्या होगा? आधे हड़तालियों की छुट्टी। बोलो मंजूर है? नहीं। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। ये आवाज सारे शहर में गूंजे तो बात है। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद। शंकर गुप्ता मुर्दाबाद।
मुझसे पूछो क्या हुआ। मजदूर तरक्की चाहते, धमकी देकर दबाव डालकर मैंने मिल बंद कर दी। मैं बड़ा, वो छोटे, तो जो चाहते हैं उन्हें दे दूं, यही तो मैं भी चाहता हूं, इसीलिए मैंने मिलकर सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। लेकिन उन्हें देसाई जैसा छिछोरा आदमी पसंद है, मुझ पर भरोसा नहीं। यह मेरी है, इसके सारे शेयर्स मेरे बंद होने से मैंने बताया। इस फौलाद के खर्चे की जान मैं हूं। मैं मिल के नक्शे के साथ दिवाली की मिठाई बांट रहे हैं और साथ देसाई भाई और बाकी डायरेक्टर मजदूरों का खून चूसने वाले हैं। आप कुछ भी कहें, उस वक्त मजदूरों की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए अगर इस मिल को कोई बचा सका तो मैं, मिस्टर सिन्हा ने। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? क्या जवाब है तुम्हारा? किसी का जवाब नारे हैं और किसी का बेजुबान पथरीली आंखें, लेकिन मैंने जो कुछ किया ठीक किया, जो समझ कर किया। तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कोई चोट नहीं लगी। आप एक काम कीजिए, फौरन ज्यादा पुलिस बुला लीजिए, मिल का कुछ नुकसान न होने पाए। जी हाँ, मेरी जिम्मेदारी, आप फौरन बुला लीजिए। थैंक यू। बानी, उस दिन जो तुम मुझे बड़ा दुख है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं, हो सके तो माफ कर देना बानी। सुनो मैडम। जी सर। बानी कहाँ चली गई? आप उनको नहीं मानते? बानी बेबी ने जाने से पहले सारा हिसाब चुपता कर दिया। जी साहब। तुम क्या जा रही? कैसे नहीं जाएगा साहब, जब बानी बेबी ने गुड़िया का शादी बनाया था तो हम उसके साथ था, पीछे जब उसने अपना शादी बनाया हम उस टाइम भी उसके साथ था। आज जब वो आंसू बहाता है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकता। तुम क्या समझती हो इसका जिम्मेदार मैं हूँ? आप मास्टर, हम नौकर, हम आपके बारे में क्या बोलने को सकते हैं? जब बानी बेबी सचमुच बेबी था, हमको मामा कहता था, इसी वास्ते जाने से पहले आज हम एक बात जरूर बोलेगा। अगर बानी बेबी का आवाज ना चला जाता, अगर आज वो बोल सकता तो सारा दुनिया आज उसके पांव को किस करता।
बात क्या है शंकर? बानी चली गई। किसी से मिलने गई हो? नहीं, मुझे छोड़कर चली गई। तुम है? झगड़ा हुआ था क्या? हुआ था, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं था कि वो घर ही छोड़कर चली जाती। घर छोड़कर तो कुत्ते बिल्लियां भी नहीं जाते जब तक उन्हें ठोकर मार कर ना निकाल दिया जाए। तुमने सोच लिया होगा कि जिसके जबान नहीं उसके दिल भी नहीं। शायद क्यों बड़ी सख्त बात कह दी मैंने? ये तो आपकी पुरानी आदत है शंकर। मैं चाहता था कि तुम बड़े आदमी बनो, मगर तुम सिर्फ धनवान बन सके। बड़े भैया, बड़े भैया, आप गुस्सा नहीं होना। बड़े भैया, अपन सिर्फ इतना बोलने को आया है कि भाभी अपने घर में है। मैं समझ गया। बड़े भैया, भाभी मेरे को बोली कि आपको बताना नहीं, लेकिन अपने सरहाने आप मेरे घर चल के उनको वापस लेके आ जाओ। तुम जो कहना चाहते थे कह चुके। बड़े भैया, अपन को जितना बोलना था उतना बोल दिया, पर एक बात अपने समझ में नहीं आ रही। आप अपने आप से नाराज हैं, ठीक, पर दुनिया ने आपका क्या बिगाड़ लिया? आप दुनिया को क्यों बंदूक दिखा रहे ले? मधु चले जाए। बड़े भैया, भाभी अपने घर में आई, अपन तो ये समझा कि अपनी माँ आई ली। आप उनको वापस नहीं लेके जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। अपन तो जाता है मामा। आग पर तेल छिड़कोगे तो भड़क कर चिता बन जाएगी। कोई अपनी ही आग में जलना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या तुम भी मुझे नसीहत करने आई हो? नहीं। तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? मामा जी ने कई बार कहा है, हमारा एक बड़ा भाई है जो बचपन में चूहे बेचता था, ठेला चलाता था। अपने पिता को नशे में देखकर उनसे नहीं गरीबी से नफरत करता था। मैं उसे ढूंढने आई हूँ भैया। किसने भेजा तुम्हें? तरुण ने? नहीं। हड़तालियों ने? नहीं। वो समझते हैं मैं गद्दार हूँ, आपकी जासूस। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे आपकी बहन और आपको मेरा भाई समझकर। उन्हें क्या मालूम मेरे जिस भाई ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, मेरी कोई बात नहीं डाली। वो आप नहीं, कोई और है। गुस्सा मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कहाँ है वो मेरा भाई जो भाभी से प्यार करता है, छोटे भैया से प्यार करता है, मजदूरों से भी प्यार करता है, जो एक बार मेरी आंखों में आंसू देख ले तो अपने आंसू न रोक सके। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है? भाभी पापा को शेयर। बताए मुझे कहाँ दखल करना? बैठी तो सही, मैं भी बताता हूँ। रजिस्टर ऑफिस कब तक खुला रहता है? 4:30 बजे तक। वक्त नहीं वकील साहब, आप देखिए मेरे कागजात तैयार हैं कि नहीं। गुप्ता साहब के कागजात तैयार हैं, फॉर्म भेज दो। हिंसा और तोड़फोड़ से कुछ नहीं होगा। कल हमने कार पर पत्थर फेंका, आज हम मिल की फाटक तोड़ने जा रहे हैं, कल मशीनें तोड़ेंगे। जरूर तोड़ेंगे। तो नुकसान किसका होगा? बैठो का हमारा नहीं। अरे भैया, मिल पूंजीपति नहीं होती। हमारी लड़ाई ना तो किसी मिल से है और ना किसी मिल मालिक से, बल्कि उस नियम से, उस सिस्टम से है जो
जो हमारा हक छीनना चाहता है। अरे छोड़ो ये भाषण, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दवा दारू अस्पताल का खर्चा कौन देता है? मिल मालिक गुप्ता जी। दो दिन आराम से अस्पताल में मुफ्त की रोटियाँ, नतीजा अपने हाथ पर छक्की पट्टी बंधवा कर आ सकता। ये हिंसा है, तोड़ फोड़ है, क्या मतलब है इसका? श्रीमान गुप्ता जी से समझौता, आपकी आज्ञा। शर्म आनी चाहिए, अपने आप को बेच डाला, दुश्मन की तरफदारी करने चला है। भूखा मरता मेम साहब, सांप तो घर में नहीं है। कौन हो तुम, चुप क्यों हो? शंकर है घर में? अगर तुमने उसका नमक खाया है तो आज उसे मिल की तरफ मत आने देना। तो चाचा जा सकता हूँ उन्हें रोकने के लिए, अगर उन्होंने गेट तोड़ दिया तो क्या होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो? देखो देखा तरुण, माधु चाचा ये क्या हो रहा है? देसाई भाई क्या? कमीने दलील, मिल को लड़ो। शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, मुर्दाबाद। क्या हो रहा है? आग लगाने आए थे, पहले ताला तोड़ा और फिर आग लगाने लगे। तो लगाई क्यों नहीं आग? इस मिल को जलाकर राख कर देते तो अच्छा था। जो अपने हैं वही पराये हो जाए तो पराये दुश्मन क्यों ना हो। चलिए मिस्टर पुरी। अरे बड़ेला बदतमीज, क्या करोगे तुम? अपन को मारोगे ना? बस मार लिया ना?
अरे तुम्हारे हाथ का तो मार खा के आज अपन इतना बड़ा हुआ है। तुम समझते हो कि हम सब पराए हो गए, लेकिन तुम पराए हो गए लो हम लोग के लिए। आज तुम्हारे में इतनी अकड़ आ गई थी, इतना भाव खा रहे हो तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे जैसे हो जाए। लेकिन बड़े लायक वो जो ऊपर वाला है ना, जो तुमसे भी बड़ा लायक है, वो हम सबको तुम्हारे जैसा नहीं बना सका, तो तुम हमको क्या बना सकोगे? मधु अगर भैया, किसने फेंका ये पत्थर? अगर हिम्मत है तो सामने आए। तुम भूल गए एक दिन मैं भी तुम जैसा एक मजदूर था। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं। तुम लोग इस मिल को अपना दुश्मन समझोगे तब तक यही कुछ होता रहेगा, किसी बात का फैसला नहीं होगा। कल की बात छोड़ो, तुम आज की बात करो। जब से तुम मिल मालिक बने हो, क्या किया मैंने? मैंने नई मशीनें लगवाई, लेकिन तुम में से किसी एक कामगार की भी छंटनी की कर नहीं सके। ये कहो कि करना नहीं चाहता था, क्या मैंने तुम लोगों के लिए नए घर बनाने की कोशिश नहीं की? अपने मुनाफे में से हमें फूट डालने के लिए। अगर फूट ही डालना होती तो मैं तुम्हारी खातिर तुम लोगों की मजदूरी बढ़ाने दूसरे डायरेक्टर से झगड़ा ना करता। वही हमारी मजदूरी कैसे बढ़ती? इधर तुम लोगों ने नोटिस दिया कि मिल बंद हो जाए, उधर वो लोग शेयर बेच लगे कि मैं मिल से निकल जाऊं। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सबके शेयर खरीद लिए एक एक करके, तालाबंदी करने। इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। जब भी मैंने इस मिल की चिमनी से धुआं उठते देखा, यही सोचा कि इसके नीचे अधूरे सपनों की चिताएं जल रही हैं जो मेरे माँ बाप की जिंदगी में पूरे ना हो सके, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में भी पूरे न हुए। और मैं समझ गया, जब तक कि ये मिल, ये कारखाने हर एक की मिल्कियत नहीं बन जाते, तब तक ये आपस के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अगर तुम समझते हो ये मेरी हार है, तो ये तुम्हारी भी जीत नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो इस मिल के दुश्मन है, चाहे मेरे अपने हों या पराए, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शंकर, आज मैं तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे पहले किया करता था, जब तू इस मिल की चिमनी को हसरत से देखता था, जैसे कि हम देखते हैं। तू क्या समझता है हम इस मिल के दुश्मन हैं? अरे हम इस मिल के दुश्मन होते तो तू इस मिल का मालिक ना होता, ये अब तक जलकर राख का ढेर हो गई होती। जिसे जलाने आए थे तो जैसे एक पैसे वाले देसाई भाई के गुर्गे, लेकिन जिसे बचाया हम में से एक ने, तरुण ने, जख्मी होकर। छोड़ो माधव चाचा, इनसे बात करना बेकार है। ये समझते हैं हम इनसे नफरत करते हैं। ये नफरत नहीं तो आप क्या और आपकी हैसियत क्या? माना कि आपने बहुत सोचा हमारे लिए, बहुत कोशिश की, हमारे ही मुंह से रोटी छीन कर उसका एक टुकड़ा हमारी ही झोली में डालकर आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं। मगर आपने कभी ये सोचा कि आप अकेले क्या चीज हैं? आप अकेले इस मिल को चला सकते हैं? अकेले इस नियम को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, नहीं बदल सकता। हम में से कोई नहीं बदल सकता, मैं न तुम। लेकिन कोई कितना भी अकेला हो, अकेला भटका हुआ, उसे एक नया रास्ता ढूंढने का हक तो है। मैं एक सपना देख रहा था, कल जो बीत गया उसका सपना नहीं, आज जो बीत रहा है उसका भी नहीं, आने वाले कल का सपना। आपकी लड़ाई अपनी जगह, इनका सपना अपनी जगह। देखना तो यह है जमाने की रफ्तार कहां ले जाती है। ये है वो कागजात जिन पर मिस्टर गुप्ता ने यहां आने से पहले दस्तखत किए गवाहों के सामने। ये कागजात इस बात का ऐलान है कि आज से आप में से हर एक इस मिल में बराबर का हिस्सेदार है, जिसे मिस्टर गुप्ता ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया है। इसे चलाने आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। जब तक मेहनत करने वाले हाथ और सपना देखने वाला दिमाग एक नहीं हो जाते, एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए
हम सब में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। शंकर, अरे अरे शंकर कहाँ गया? कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते। बड़े भैया, हम लोग आपसे एक बात करने को आए ले भावने खाना। सब लोग बहुत खुश है, वो अपना तरुण है ना और बद्री चीचा, वो लोग ने मिल चालू कर दी है रात पहली में। शीला अयो, कमाल कर दिया, एक ही रात में सब कुछ दे दिया। अच्छा किया, ऐसा क्या है अरमानों का? अरे ये क्या कर रहे हैं? आकाश दीप चढ़ा रहे हैं, आज तक संसार को रोशन कर।